अगले आने वाले 7 दिनों की हम बात करें तो बारिश जो है गुजरात में जो है बहुत कम देखने को मिलेगी जैसे जैसे दिन गुजरेंगे। अगर हम बात करें वार्निंग की, किसी भी प्रकार की जो है अगले 7 दिनों के लिए हैवी रेनफॉल वार्निंग नहीं दी गई है। साथ ही जो है कच्छ को जो है अगले 7 दिनों के लिए ड्राई रखा गया है। अगर हम बात करें सौराष्ट्र रीजन की, अगले 3 दिनों तक जो है कुछ हिस्सों में छुटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। उसके बाद सौराष्ट्र में भी जो है डे 4 ऑनवर्ड्स जो है ड्राई रहेगा वेदर। साथ ही साथ नॉर्थ गुजरात में भी अगर हम बात करें अगले 2 दिनों तक जो है छुटपुट बारिश देखने को कुछ हिस्सों में मिल सकती है। उसके बाद नॉर्थ गुजरात में भी अधिकतर हिस्सों में मानसून ड्राई रहेगा। साथ ही अगर हम बात करें साउथ गुजरात में, वहाँ पे जो है अगले 7 दिनों के लिए कुछ हिस्सों में मोस्टली साउथ गुजरात के जो कोस्टल एरियाज है उसमें जो है छुटपुट बारिश देखने को मिलती रहेगी। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटों में कैसा रहा है मौसम, उसमें जो है पूरे गुजरात में सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट्स में रेन जो है दर्ज किया गया है, जिसमें सबसे अधिक रेन जो है 26 mm जामनगर में दर्ज किया गया है। अगर हम बात करें अभी तक आज तक जो है पूरे सीजन का रेनफॉल, उसमें अगर हम एज ए स्टेट गुजरात की बात करें तो टोटल ओवरऑल रेनफॉल जो है वो 973 mm रेनफॉल दर्ज किया जा चुका है, जो कि नॉर्मल से 44% जो है अधिक है। साथ ही अगर हम बात करें रीजन वाइज, जिसमें सौराष्ट्र कच्छ की अगर हम बात करें उसमें 871 mm रेनफॉल दर्ज किया गया है, जो कि नॉर्मल से 71% ज़्यादा है। और गुजरात रीजन की हम बात करें उसमें जो है नॉर्मल से 26% जो है रेनफॉल ज़्यादा दर्ज किया गया है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर आगे आने वाले दिनों में अपने नॉर्मल फेज में रहेगा। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटों में कैसा तापमान दर्ज किया गया, उसमें अहमदाबाद में 33.6 डिग्री सेल्सियस तथा गांधीनगर में 34.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जो अपने नॉर्मल टेम्परेचर में मेंटेन कर रहा है। अभी एज ऑफ नाउ कोई सिस्टम नहीं है और आगे आने वाले दिनों में भी जो है कोई सिस्टम बनता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी मॉनसून विड्रॉल के लिए जो है कंडीशन फेवरेबल बनती हुई दिख रही है। आगे आने वाले समय में जो है जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होंगी उसके लिए जो है अपडेट कर दिया जाए।